फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो अभी तो बज रहे 10। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आज बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि इतने सालों से जो सपना देखा है वो पूरा होने वाला है। कुछ बोलो। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे? नहीं। क्या क्या लाए बेटा हनी? गुल्लक। इसमें क्या करना है? क्या करना है बोलो। पैसे जमा करना है। पैसे जमा करके क्या करोगे? क्या खरीदोगे? पैसे किस लिए जमा करोगे? पैसे क्या खरीदोगे? क्या खरीदोगे? चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। दलिया है गेहूँ का और दूध के साथ मैं इसे खा रही हूँ। यह हेल्थ के लिए अच्छा है, बहुत ही क्या बोलते हैं, हल्का नाश्ता है। अभी कियांश को मैंने खिलाया है दूध और चपाती। अभी दिव्यांश को मैं खिला रही हूँ, यहाँ पे मैं उसको एप्पल की प्यूरी खिला रही हूँ। मैं आप लोगों को ये भी शेयर करने वाली हूँ कि एप्पल की प्यूरी और बच्चों को क्या क्या खिला सकते हैं। अभी ये तो 6 मंथ्स ओल्ड है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिक्विड टाइप का ही मैं खिलाती हूँ। तो अभी इसको खिला के फिर नहलाना है, फिर रेडी करना है बच्चों को, और मुझे भी रेडी होके फिर बाहर निकलना है। कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताने वाली हूँ। तो देखिए किया, सॉरी दिव्यांश, दोनों का नाम सेम है अभी। तो दिव्यांश को खिला रही हूँ, तो देखो उसका फेस का एक्सप्रेशन देखिए। ये रहा शॉप। अभी हम लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम लोग इससे पहले हैदराबाद में रहते थे लॉकडाउन से पहले, तो वहाँ पे उनका स्कूल बिजनेस था। आफ्टर लॉकडाउन हम लोग यहाँ पे, मतलब लॉकडाउन से पहले यहाँ पे मुंबई आ गए थे यहाँ पे सेटल होने के लिए। फिर बाद में 2 ईयर्स लॉकडाउन हो गया था, तो तब उन्होंने मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब सोचा था, बट फिर स्टॉप कर दिया। फिर जॉब किए 2 साल, फिर अभी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नया, तो उसका ही रिनोवेशन चल रहा है। तो देखिए ये सब क्या बोलते हैं इसको, मतलब स्टैंड वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए फिटिंग करवा रहे हैं, और वायरमैन से पंखे वगैरह फिट करवा रहे हैं। ये मेन रोड है, मेन रोड पे इन्होंने शॉप लिया है, रेंटेड ही है, ओन नहीं है। तो देखिए कि अंश यहाँ पे खड़ा है। हम लोग यहाँ पे सब रिनोवेशन करवा रहे हैं, इसलिए आए देखने के लिए कि कैसा लग रहा है शॉप। देखिए कितना मतलब कम स्पेस है, लेकिन अभी फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे थोड़ा बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे जो गोदाम है वो हमारा ही है, तो यहाँ पे उन्होंने सामान मतलब थोड़ा थोड़ा मंगा के यहाँ पे जमा किया था गोदाम में। यहाँ से अभी सामान जो है, जो भी मटेरियल्स है, वो शॉप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक्चुअली उन्होंने हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लम्बिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सब सामान आ गया है और हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज कर लिए जैसे मतलब जहाँ पे रखना है वहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल मतलब कम सामान है, मतलब कम मटेरियल स्टॉक कम है, तो जैसे जैसे नया बिजनेस है तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे हम लोग। तो अभी स्टार्टिंग है, इसलिए सब जो भी मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं सब थोड़े थोड़े लेके आए। और दिव्यांश कियांश दोनों यहाँ पे सो रहे हैं, मैंने उनको नीचे डाल दिया है, और मैंने भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया। हम दोनों ने मिलके सब सामान जहाँ पे रखना है सब सेट कर लिए। और ये हमारे काम वाला है, वो टेबल पे पेंट कर रहा था। तो देखिए बाहर से लुक ऐसा लगता है। और ये शॉप का क्या नाम हम लोग ने रखा है वो सरप्राइज़ रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएँगे, क्योंकि शॉप का ओपनिंग सेरेमनी भी सेलिब्रेट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा नया बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए बाहर से लुक।
सो फाइनली हम लोग को यहीं पे सेट होना था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि हैदराबाद में कोई फ्यूचर तो है, बट मुझे बच्चों को पता नहीं क्यों यहाँ पे मुंबई में पढ़ाने का मन कर रहा है उनको, क्योंकि मुंबई में माहौल कुछ अलग ही है, तो बच्चों को जहाँ पे जिसमें भी इंटरेस्ट होगा वो लोग मतलब कर सकेंगे, और यहाँ पे सब रिलेटिव्स भी नज़दीक नज़दीक रहते हैं, इसलिए हम लोग मुंबई में सेटल होने के लिए सोचा। क्या कर रहे हो? सो फाइनली हम लोग को भूख लग रहा था, सब कुछ हो गया था, मॉर्निंग में हम लोग 11 बजे निकले थे, तो इवनिंग हम लोग 6 o'clock को मतलब रिटर्न आ रहे थे, तो भूख लग रहा था। दोपहर में हम लोग ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ बच्चों को खिलाए थे और काम पे लगे हुए थे, तो हम लोग सोचे कि चलो कुछ खा के फिर चले जाते घर पे। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में ही एक छोटा सा मतलब कैंटीन टाइप था, तो उसमें हम लोग ने पाव भाजी मंचूरियन वगैरह खाया है। तो देखिए फिर हम लोग मतलब एंजॉय किए खाना वगैरह, और दिव्यांश को मैंने टेबल पे सुला दिया है, वो आराम से सो रहा था, उसको भी मैंने थोड़ा सा सेरेलैक्स वगैरह खिलाया और दूध पिला दिया था, तो वो भी खेल रहा था। सो इनके पापा कियांश को खिला रहे थे। सो फाइनली आज का जो डे है वो यहाँ पे एंड हो गया है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और देखो दोनों बच्चे सो गए, ये छोटा सा इसको भी नींद आ रहा है और कियांश भी सो गया है। कियांश भी सो गया है, वो भी बहुत थक गया है और मैं भी बहुत थक गई हूँ, क्योंकि शॉप का ऑर्गेनाइज करते करते सामान इधर उधर रखते रखते बहुत ही थक गए, और थोड़ा मोड़ा कियांश ने भी हेल्प किया है, बट दोनों बच्चों को हैंडल करते हैं, शॉप का भी ऑर्गेनाइज है मतलब ऑर्गेनाइज करना, सामान इधर उधर अच्छे से रखना, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था आज, तो बहुत ही थकावट हो रही है, फिर भी सब कुछ हो गया है, और थोड़ा सा सामान कल आने वाला है, डिलीवरी होने वाली है कल गोदाम से, तो कल भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देंगे, और फाइनली 10 अप्रैल को ओपनिंग सेरेमनी है, मतलब शॉप का ओपनिंग है, तो उस दिन भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या कैसे हम। तो बस यहाँ तक ही आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।